swayam prabha digital india educated india namaskar भारतीय राजनीति से संबंधित चर्चा के इस पूरी श्रृंखला में हमने अभी तक कई विषयों पर चर्चा की है आ, हमने भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की हमने भारतीय राजनीति में अलग अलग राजनीतिक दलों की स्थिति और भूमिका के बारे में बातचीत की कुछ प्रमुख संस्थाओं पर हम बात कर चुके हैं और आ, पिछले दो एपिसोड्स में हमने भारत में सामाजिक आंदोलन और उसके बाद आ, एक अन्य एपिसोड में भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के बारे में बातचीत की है आज की इस एपिसोड में हम भारत में किसान आंदोलन के बारे में बातचीत करेंगे हम अभी भी यानी कि मौजूदा दौर में जबकि शहरीकरण बढ़ा है आज से तीस साल के पहले की तुलना में जब औद्योगिकरण का दर बढ़ा है जब जनसंख्या शहरों में भी बढ़ी है उस स्थिति में भी वर्तमान समय में भी हम यह कह सकते हैं कि हमारा देश मुख्य रूप से किसानों का देश है कृषि प्रधान देश है तो ऐसे में यह समझने की ज़रूरत है कि जो किसानों की कुल मिलाकर स्थिति है वो क्या है और उसे हम आ, किसान आंदोलनों के माध्यम से समझेंगे हमारी यह कोशिश होगी आज के इस पूरे एपिसोड में कि हम एक ऐसी समझ विकसित कर पाए जिसमें हम भारत की आज़ादी के समय से आज़ादी के आंदोलन के समय से लेकर आज़ादी के बाद के दौर तक की स्थिति में और उससे उस समय से आगे बढ़ती हुई वर्तमान स्थिति तक जो किसान आंदोलन की स्थिति रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं उनकी एक समझ बना पाएं और इस संदर्भ में हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो किसान आंदोलन हमारे देश में रहे हैं और जो किसानों को संगठित करने की जो पूरी प्रक्रिया रही है उसमें किस तरह के जटिल पहलू हैं और किस तरह के अनसुलझे सवाल हैं आज की जो हमारी पूरी चर्चा है वो कुछ स्तरों से होकर गुजरेगी जिसके बारे में एक रूपरेखा के तौर पर मैं कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहूँगा प्रस्तावना सबसे पहले हम एक बातचीत करेंगे जो भी मैंने आपसे अभी बात की और विषय की शुरुआत में मैं कुछ और बिंदुओं को रखूंगा उसके बाद हम एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम एक महत्वपूर्ण पहलू को समझेंगे कि समाज विज्ञान में भारतीय किसान आंदोलनों को समझने के कौन से मॉडल रहे हैं असल में ये मॉडल हमें यह समझाने में भी मदद करेंगे या इस बात की समझ बनाने में भी हमारी सहायता करेंगे कि किसान आंदोलनों को अलग अलग विद्वानों ने किस तरीके से किस नज़रिए से देखा है उसके बाद हम अपने देश के दो प्रमुख किसान आंदोलन आंदोलनों तेलंगाना और तेभागा का वर्णन करेंगे हालांकि आज़ादी के दौर में चंपारण में जो किसानों का संघर्ष था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था उसका भी उल्लेख किया जा सकता है बारदोली का उल्लेख किया जा सकता है लेकिन जब हम आंदोलनों की बात करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि आज़ादी मिलने के समय के दौर में जो कुछ आंदोलन हुए थे उससे हम शुरुआत करें और फिर समकालीन समय तक आएँ तो इसलिए उनके बारे में हम बहुत विस्तार से बातचीत नहीं करेंगे उसके बाद हम स्वतंत्रोत्तर परिप्रेक्ष्य में भूमि सुधारों की बात करेंगे नक्सलवादी आंदोलनों का नक्सलवादी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह भी आ, किसानों के मुद्दे से जुड़ा हुआ था आ, और उसके बाद 1980 के दशक के कृषि आंदोलन की हम बात करेंगे उसके बाद वैश्वीकरण पर किसानों के प्रभावों की चर्चा हम करेंगे और फिर 2020 के कृषि कानूनों और उसके संदर्भ में किसानों का जो लंबा आंदोलन चला था उस पर हमारी बातचीत होगी और फिर हम किसान आंदोलन की मुख्य चुनौतियों की चर्चा करेंगे अगर हम आ, समाज विज्ञान में भारतीय किसान आंदोलनों के समझने के मॉडल की बात करें तो आ, इस तरीके के जो मॉडल रहे हैं उनकी यह कोशिश रही है कि कम से कम 20वीं सदी में जो किसान आंदोलन हिंदुस्तान में हुए हैं उनकी समझ बनाने का कुछ सूत्र वो दे पाएँ पहला जो मॉडल इस संदर्भ में सामने आता है वह एरिक वॉल्फ का है जो एशिया अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के किसान क्रांतियों के आईने का इस्तेमाल करता है इसके मुताबिक मुख्यतः तो तीन ऐसे संकट हैं जो किसानों में विद्रोही चेतना पैदा करते हैं जनसंख्या मूलक पारिस्थितिकी और सत्ता व अधिकार का संगठन यानी कि अगर जनसंख्या बहुत बढ़ जाए कुछ ऐसे बदलाव आए या जिससे जिसके कारण किसानों को संकट का सामना करना पड़े या फिर और उनकी अपनी जो एक अथॉरिटी होती है या उनका जो पावर होता है या उनके जो अधिकार होते हैं उस पर संकट आ जाए इस मॉडल के भारतीय पैरोकारों का दावा है कि 19वीं और 20वीं सदी में बाकी कृषक समाजों की भांति भारत के किसानों को भी बार बार इन्हीं संकटों का शिकार होकर मजबूरन विद्रोह का रास्ता अपनाना पड़ा तो इनमें से कोई भी एक संकट इस तरीके के विद्रोह को आगे बढ़ा सकता है भारत की बनावट कृषि प्रधान है लेकिन खेतीहर उत्पादन की पूरी जिम्मेदारी उठाने के बावजूद किसानों की बहुसंख्या मंझोले गरीब और भूमिहीन की श्रेणी में आती है सामाजिक तौर पर ये किसान समुदाय निचली जातियों यानी कि शूद्र और अंत्यज के सदस्य हैं परिणामस्वरूप शोषित वंचित और दमित स्थितियों में जीवन यापन करना उनकी व्यवस्था रही है खेतीहर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के इस अंतर्विरोध ने अनगिनत किसान आंदोलनों और संघर्षों को जन्म दिया है यहाँ मैं इस बात को ज़रूर रेखांकित करना चाहूँगा कि जो किसानों में एक ऐसा तबका रहा है हमेशा से जो कि बड़ा भूमिपति रहा है या अंग्रेजों के शासन में जब तक ज़मींदारी का उन्मूलन नहीं हुआ था वो जमींदार के रूप में था और उसकी स्थिति तो बेहतर थी ही साथ ही साथ अधिकांश मामलों में वह उच्च जातियों से या फिर दबंग मानी जाने वाली जातियों से जुड़ा हुआ था तो ऐसी स्थिति में हम अगर एक किसान की तस्वीर लेकर आते हैं जो कि अगर जमींदारों या बड़े भूमिपतियों के एक छोटे अंश को छोड़ दें तो एक ऐसी व्यक्तित्व को सामने रखता है जो कि कई तरह के सामाजिक आर्थिक विपन्नताओं से घिरा हुआ था और उसमें आमतौर पर पिछड़ी जातियाँ और या फिर जो जिन्हें शूद्र या अंत्यज माना जाता है वो जातियां सम्मिलित होती हैं किसी संघर्ष या क्रांति के पचास या सौ साल पहले हुई आबादी में बढ़ोतरी के धीरे धीरे जमा हुए प्रभाव के कारण कृषक समाज तनाव का शिकार हो जाता है ये जो पहला मॉडल है उसी के बिंदु से संबंधित बात है और जनसंख्या बढ़ने से संसाधन कम पड़ जाते हैं फलस्वरूप जमीन पर दबाव बढ़ता है जिसकी खरीद फरोख्त और बढ़ते हुए लगान से किसानों के जीवन पर विपरीत असर पड़ता है यह परिस्थिति दूसरे यानी कि पारिस्थितिकीय संकट को जन्म देती है फिर इन दोनों के संयोग से तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकट पैदा होता है जिसके तहत संसाधनों के नए नियंत्रक साहूकार जमींदार और सरकार की तिकड़ी सत्ता और अधिकार के अनुपात को अपने पक्ष में झुका लेते हैं एक सीमा तक बर्दाश्त करने के बाद किसान समुदायों को संघर्ष में उतरना पड़ता है तो यह एक व्याख्या है कि कैसे जनसंख्या पारिस्थितिकीय और सत्ता संबंधी या सत्ता और अधिकारों से संबंधित कारक जो होते हैं वो किसानों को बगावत या विद्रोह की ओर ले जाते हैं आ, कई सारे जो किसान आ, आंदोलन हुए हैं उनको समझने के लिए हम इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कई बार यह मॉडल बहुत सारी सीमाओं के साथ सामने आता है क्योंकि आ, जो ये कारक होते हैं इसके अलावा भी कई सारे कारक किसान आंदोलनों को प्रेरित कर सकते हैं और आ, किसान आंदोलन को आगे बढ़ने में आ, ये कारक जब मौजूद होते हैं तब भी आ, वो किसान आंदोलन बगावत के स्तर तक आगे नहीं बढ़ता है यह भी देखा जा सकता है जो दूसरा मॉडल है उसमें उसे कैथलिन गफ़ ने प्रस्तुत किया है और यह मुख्यतः भारत के किसान संघर्षों का अध्ययन करके ही बनाया गया है उन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने में हुए किसान संघर्षों को उनके लक्ष्यों विचारधारा और संगठन पद्धति के लिहाज से समझने के लिए मोटे तौर पर पांच भागों में बांटा है पहला अंग्रेजों को भगाकर उनकी जगह पुरुष शासकों और पिछले भूमि संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए हुए संघर्ष दूसरा किसानों के लुटेरे गिरोहों द्वारा प्रभुत्शाली तत्वों को लूट कर गरीबों की मदद करने के लिए चलाई गई मुहिमें तीसरा शासन के नए रूप से किसी क्षेत्र या जातीय समूह को मुक्त करने के लिए चलाए गए धार्मिक किस्म के संघर्ष चौथा समुदाय को इंसाफ दिलाने के लिए की जाने वाली आतंकवादी कार्रवाइयाँ और पांचवा अपनी विशिष्ट मांगों को मनवाने के लिए किए गए जन विद्रोह गफ मानती हैं कि ये सभी किस्में परस्पर व्यापी हैं यानी कि हम यह मान सकते हैं कि एक किस्म में जो एक प्रकार है उसमें दूसरे प्रकार की विशेषता भी पाई जाती है और गफ के अनुसार इनके पीछे मुख्यतः तो दो कारण रहे हैं किसानों के बीच लगातार बढ़ती गुरबत के खिलाफ गहरा विक्षोभ यानी कि उनके भीतर जो दरिद्रता और गरीबी बढ़ रही है उसको लेकर जो एक असंतोष व्याप्त होता है और किसानों के खिलाफ सत्तारूढ़ शक्तियों द्वारा अपनाया गया क्रूर और अत्याचारी रवैया जो भी शासक दल के रूप में होते हैं वो किसी अन्य समूह को लाभ पहुँचाने के लिए या अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए जब किसानों के साथ क्रूर व्यवहार करते हैं तो यह भी विद्रोह को जन्म देता है जो तीसरा मॉडल है उसको एक बहुत सम्मानित समाजशास्त्री डीएन डी एन धनगरे ने सूत्रबद्ध किया है जिसमें उन्होंने गफ की धारणाओं का सहारा भी लिया है धनगरे किसान प्रतिरोधों को छह किस्मों में बांटते हैं जिनमें पहली दो किस्मों का चरित्र रूपांतरकारी है पर क्रांतिकारी नहीं ये हैं स्थानीय शासकों की वापसी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ चलाई गई मुहिमें मुख्यतः उन्नीसवीं सदी की परिघटना और दूसरा किसी एक क्षेत्र की मुक्ति के लिए चलाए गए धार्मिक प्रवृत्तियों वाले विद्रोह जैसे मोपला किसान विद्रोह अगली तीन किस्मों को धनगरी सुधारवादी ठहराते हैं जिनका मकसद आंशिक परिवर्तन से ज्यादा नहीं था भले ही उनमें आंदोलन के शांतिपूर्ण तरीके अपनाए गए हों या हथियारबंद जैसे पैदावार के दो तिहाई हिस्से पर दावेदारी करने वाला तिभागा आंदोलन जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे किसान संघर्षों की आखिरी किस्म धनगरी के मुताबिक वह है जिसमें हिंसक साधनों का सहारा लेने से परहेज किया गया जैसे कि खेड़ा बारदोली और चंपारण के किसान आंदोलन तो एक तरीके से ये जो अलग अलग मॉडल हैं उसमें हम यह देख सकते हैं कि कैसे विद्वानों ने यह कोशिश की है कि वो इस बात की व्याख्या कर सके कि जो अलग अलग किसानों की बगावतें हुई जो विद्रोह हुए उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं और धनगरे जो हैं वो उसमें क्रांतिकारी रूपांतरकारी सुधारवादी और एक तरीके से हिंसक साधनों से परहेज करने वाले आंदोलनों को हमारे सामने रखते हैं और इसमें वो आंदोलन भी शामिल हैं जिनकी काफ़ी चर्चा होती है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में खेड़ा बारदोली और चंपारण जैसे आंदोलन चौथा मॉडल उन मार्क्सवादियों का है जो यह मानते हैं कि किसान ज़मींदारों सूदखोरों और राज्य द्वारा किए जाने वाले आर्थिक दोहन के खिलाफ बगावत करते हैं इस मॉडल में किसानों पर जाति प्रथा के प्रभाव को नज़रअंदाज किया गया है और आर्थिक पहलू को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी गई है कॉम्युनिस्टों के नेतृत्व में किसान सभाओं द्वारा शुरू की गई खेत मजदूर यूनियनों की विफलता इस मॉडल की अपर्याप्तता की ओर इशारा करती है ये जो चौथे मॉडल की जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक सीधी और सपाट व्याख्या है और यह व्याख्या सिर्फ औपनिवेशिक दौर से संबंधित नहीं है यह व्याख्या उत्तर औपनिवेशिक दौर से या आज़ादी के बाद के दौर में भी किसान आंदोलनों से या किसानों के बगावतों से संबंधित है और यह व्याख्या मार्क्सवादियों को अलग अलग तरीके के मार्क्सवादियों को जिसमें कि हम नक्सल की नक्सलियों के वो ही सम्मिलित कर सकते हैं उनको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वो इसी आधार पर किसानों को संगठित करें और इसमें वो जो दूसरी अस्मिताएं होती हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं यानी कि अगर कोई किसान बगावत कर रहा है तो वो सिर्फ़ जमींदारों सूदखोरों और राज्य द्वारा किए जाने वाले आर्थिक दोहन से परेशान होकर कर रहा है क्या उसमें जाति की कोई भूमिका नहीं होती है क्या उसमें यह कारक प्रमुख भूमिका नहीं निभाता है कि जो जमींदार जो कि उच्च जाति का होता है वो खेत मजदूरों या छोटे किसानों जो कि अमूमन शूद्र या आ, आ, दलित जातियों को होते हैं उनका उनका शोषण करता है इस कारक की भूमिका भी होती है या बाद में कई विश्लेषणों से बात सामने आई और खास तौर पर ये जो मार्क्सवादी समूह थे उन वो जब लगातार नाकाम नाकाम होते गए इन क्षेत्रों में या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर में जो सी पी जैसे संगठन सामने आए उन्होंने कोशिश की कि वो आ, जो पिछड़ी दलित जातियां हैं और बहुत ही अति पिछड़ी जातियां और दलित जातियां, उन्हें संगठित करें बिहार के गांवों में जो कि खेत आ, मजदूर भी थे यानी कि भूमिहीन खेत मजदूर थे तो उसे कुछ सफलता मिली लेकिन जैसे ही अस्मितावादी राजनीति का आभार हुआ सी पी के प्रभाव में काफ़ी गिरावट आई हालांकि अभी भी वह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उन क्षेत्रों में मौजूद है मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जो मार्क्सवादी विश्लेषण है उसने हमेशा से ही अन्य प्रकार की अस्मिताओं को उतना महत्व नहीं दिया है अपने विश्लेषण में जितना उसे देना चाहिए था जो पांचवा मॉडल है उसमें जो इसमें इसे रणजीत गुहा ने प्रस्तुत किया है जो कि सबल्टन स्कूल जो हिस्ट्री का है उसमें उनको माना जाता है कि वो एक महत्वपूर्ण या फिर उसको आगे बढ़ाने वाले आरंभिक चिंतक के रूप में हैं हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में इतिहास लेखन के संदर्भ में रणजीत गुहा के इस मॉडल पर अकादमिक हलकों में काफ़ी चर्चा हुई और इसे जैसे मैंने कहा सबलटर्न मॉडल के नाम से जाना जाता है गुहा ने तीन तरह के विमर्श चिन्हित किए जिनके कारण किसान संघर्षों की सही बनावट और उनका सार रेखांकित नहीं हो पाया सबसे पहले तो औपनिवेशिक प्रभुओं या जो सत्ताधारी लोग थे उन्होंने प्राथमिक विमर्श के जरिए किसान विद्रोहों को ऐसी अवांछनीय बगावतों के रूप में चित्रित किया जिन्हें फ़ौरन कुचल देना चाहिए था इसके बाद द्वितीय विमर्श के रूप में भारतीय अभिजन ने अपनी विचारधारा की पुष्टि के लिए किसान विद्रोहों की अपने हिसाब से व्याख्या की इस अभिजन ने किसान आंदोलनों का नेतृत्व करने का दावा भी किया और तीसरा विमर्श या तृतीय विमर्श रेडिकल विचारधाराओं के पैरोकारों ने पेश किया और किसानों के इतिहास का विनियोग करने की प्रक्रिया अपने विचारधारात्मक मकसद से चलाई तो रणजीत गुहा यह कहना चाह रहे हैं कि जो तीन तरीके के विमर्श चले उन्होंने किसानों की जो विद्रोह थे उनकी वास्तविक समझ को सामने नहीं रखा फिर गुहा यह कहते हैं कि जो भारतीय या विदेशी अभिजन या रेडिकल तत्व हैं वो जिस तरीके से किसानों के विद्रोह को प्रस्तुत करते हैं उसके बजाय किसानों के अपने दृष्टिकोण को सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए गुहा यह कहते हैं कि अभिजन या रेडिक रेडिकल विचारधाराओं के बजाय साधारण किसानों का इतिहास लिखा जाना चाहिए इस तरह रणजीत गुहा ने जनता की इतिहास या आधार से उभरने वाले इतिहास की वकालत की और यही पूरा का पूरा सबल्टन स्कूल भी है यानी कि इसी बुनियाद पर वो आधारित है और इस संदर्भ में रणजीत गुहा की प्रख्यात रचना एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया एक महत्वपूर्ण किताब के रूप में सामने आई जिसमें उन्होंने मुख्य तौर पर पूर्वी भारत में हुए 19वीं सदी के आखिरी दौर के संथाल और मुंडा विद्रोहों की चर्चा की उन्होंने इस इतिहास लेखन को प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी बताया यानि कि वो एक, एक विद्रोही गद्य के रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं और वो ये बोलते हैं कि जो संथाल और मुंडा आदिवासी थे वो अपेक्षाकृत समरूप किस्म के थे इसलिए आ, जब गुहा यह कहते हैं कि इन इनका एक काउंटर इंसर्जेंसी का अप्रोच था तो उनकी बातें सही भी लगती हैं लेकिन गैर आदिवासी किसान समुदाय इतने समरूप नहीं होते हैं यानी कि उनमें अलग अलग तरीके के छोटे छोटे समूह होते हैं तो और फिर जाति वर्ग और जेंडर के आधार पर भिन्नताएँ होती हैं तो ये जो डिफ्रेंशिएटेड या विभिदीकृत समूह होते हैं उस पर गुहा के आ, का जो मॉडल है उसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है आदिवासियों को छोड़कर अधिकतर किसान समुदाय धनी मंझोले और गरीब किसानों में बटे हुए थे न केवल उनके बीच विभेद थे बल्कि निचले वर्ग अपने समर्टन हैसियत छोड़कर क्षत्रिय बनने के जरिए ऊपर अटने की महत्वाकांक्षाओं से भी लैस थे तो ये जो दो बिंदु हैं वो असल में गुहा के मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं तो गुहा ने जहाँ किसान आंदोलन को समझने के पहले के मॉडल्स को क्रिटिसाइज़ किया यह कह के कि या करके तो वो कॉलोनियल तरीके से लिख रहे हैं या फिर वो रेडिकल तरीके से लिख रहे हैं लेकिन इन सब तरीक़ों में वो जो किसानों की अपनी आवाज थी उसकी उपेक्षा कर दे रहे हैं तो उनकी जो दो आलोचनाएं हैं वो इस बात में सामने आती हैं कि जो सबल्टर्न उनका मॉडल है वो समरूप या होमोजोनस समुदायों पे तो चल जाएगा लेकिन वो जो बहुत ही विभिदीकृत या डिफ्रेंशिएटेड समुदाय हैं उन पर लागू नहीं होगा और इसके अलावा ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो आ, छोटे छोटे समुदाय होते हैं आदिवासियों के अतिरिक्त तो उनमें यह प्रवृत्ति होती है कि वो अपने से उच्च समूहों की ओर आगे जाएं अन्य संदर्भों में एम एन श्रीनिवास ने इसे संस्कृताइजेशन की संज्ञा दी है बहरहाल गुहा ने इस तरीके की आलोचनाओं का जवाब देते हुए दावा किया कि एक खास स्थिति में जैसे टैक्सों का भारी बोझ हर तरह के किसानों का हित ए, 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 ऐसा एक हो सकता है मतलब एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहाँ अलग अलग तरह के जो किसान हैं वो अपने आप को एक छतरी के नीचे ला दें और वो मिलजुल कर बगावत का झंडा उठा लें बहरहाल गुहा ने इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से जिस सबल्टर्न किसान को कल्पित किया था वह किसान आंदोलनों की मार्क्सवादी समझ के लिए चुनौती साबित हुआ जाहिर है कि समाज विज्ञान में ये जो प्रचलित मॉडल हैं जिनका कि हम लोगों ने अभी जिनकी चर्चा की वो मॉडल किसान विद्रोहों की कोई एक सौरमानित थियोरी प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं जिसके दायरे में रहकर आज़ादी से पहले के भारतीय किसान आंदोलनों की समग्र समझ बनाई जा सके और वो इसलिए भी मुश्किल है कि इसमें विविधता काफ़ी ज़्यादा है किसान समूहों में फिर भी इन मॉडलों से किसानों द्वारा विद्रोह करने के कारणों उनके द्वारा अपनाई गई संगठन पद्धतियों और किसानों की राजनीतिक चेतना के उलझे हुए प्रश्नों पर रोशनी पड़ती है अब इन मॉडलों को देखने के बाद हम दो प्रमुख आंदोलनों पर विचार करेंगे जो कि आज़ादी मिलने के समय किसान समूहों के द्वारा छेड़े गए और ये दो थे आंदोलन थे तेभागा और तेलंगाना चालीस के दशक में आज़ादी की पूर्व संध्या पर तेलंगाना और तेभागा नामक दो जुझारू किसान आंदोलन उभरे जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति में प्रतिमानमूलक भूमिका निभाई आज तेलंगाना एक राज्य भी है तो उस समय वो आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था और इनफैक्ट उस समय तक आंध्र प्रदेश का भी गठन नहीं हुआ था तो ये एक तेलुगु भाषी क्षेत्र के रूप में हम तेलंगाना को देख सकते हैं इन आंदोलनों ने यानी कि दोनों आंदोलन तिभागा ते और तेलंगाना आंदोलनों ने भूमि सुधारों की ज़रूरत पर जोर दिया जिसके परिणामस्वरूप जमींदारी उन्मूलन किया गया और भूमि हदबंदी कानून बना भूमि हदबंदी का मतलब है कि एक व्यक्ति के पास कितनी सीमा तक भूमि रह सकती है तेलंगाना की प्रतिक्रिया में ही विनोबा भावे के नेतृत्व में गांधीवादियों द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया भूदान आंदोलन में इस बात पर जोर दिया गया कि स्वैच्छिक रूप से अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी जरूरत से ज्यादा जमीन है तो वो उसको दान कर दे और फिर वो दान की हुई जमीन भूमिहीन लोगों में वितरित की जाएगी भूदान आंदोलन की सफलताएं और असफलताएं अपने आप में एक अलग विषय है पर इसमें मुख्य कोशिश यही थी कि जो भूमिहीन किसान हैं उन्हें भी कुछ भूमि उपलब्ध कराई जाए और इसके लिए वर्ग हिंसा या किसान वंचित किसान समूहों के द्वारा हिंसक साधनों के उपयोग के बजाय जो भूमिपति किसान थे उनसे पहले से ही उन्हें इस बात से प्रेरित करके उनसे जमीन ले लेना कि वो दूसरों की भलाई कर रहे हैं तो इससे एक जो किसान आ, किसानों के बीच में या भूमिपतियों और भूमिहीनों के बीच में संघर्ष हो सकता था उसको टालने की कोशिश भी की गई बहरहाल हम तेलंगाना और तिभागा की कहानी पर वापस आते हैं दोनों संघर्षों का बिगुल 1946 में बजा दोनों के भौगोलिक क्षेत्र परिस्थितियाँ और उनके अनुसार अपनाई गई और आ, उनके अनुसार अपनाई गई रणनीतियाँ बहुत अलग अलग थीं तेलंगाना निज़ाम शासित हैदराबाद रियासत का एक निहायत पिछड़ा हुआ इलाका था जिसे जंगलों और पहाड़ों की बहुतायत के कारण एजेंसी एरिया कहा जाता था तिभागा आंदोलन अविभाजित बंगाल में हुआ बंगाल के पश्चिमी हिस्से के कुछ इलाकों के साथ साथ इसका प्रसार उत्तर बंगाल और पूर्वी बंगाल जो कि आज का बांग्लादेश है उस उनके जिलों में भी हुआ था तेलंगाना का सशस्त्र किसान आंदोलन उन्नीस छियालीस से उन्नीस के बीच में चला और मुख्यतः दो चरणों से गुजरा पहले दौर में किसानों ने स्थानीय ज़मींदारों और उनका साथ देने वाले निजाम की सरकारी मशीनरी और रजाकारों के नाम से गठित फ़ौजी संगठन की दमनकारी कार्रवाइयों का प्रतिरोध किया दूसरे दौर में नेहरू सरकार द्वारा भेजी गई फौज फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई जागीरदारों और देशमुखों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत जमीनों से जबरन बेदखली न करने सामंती सितम और वेट्टी प्रथा यानी कि बंधुआ मजूरी खत्म करने की मांग से शुरू होकर यह आंदोलन जल्दी ही निज़ाम की हुकूमत का तख्ता उलटने की हथियारबंद मुहिम में तब्दील हो गया इसका दायरा बढ़ा और इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई और उन्होंने पुरुषों से कंधा से कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया और यह एक आ, काफी प्रगतिशील आंदोलन भी माना जा सकता है महिलाओं के सम्मिलित होने के लिहाज से और इस लिहाज से भी कि इसने अपने आप को अपनी जो एक तात्कालिक उसके उनके जो हित हैं उससे आगे बढ़ाया और अपने ज़मीन पर स्वामित्व की तो बात की ही साथ ही उन्होंने एक ऐसे निज़ाम के खिलाफ भी संघर्ष छेड़ा जो कि बहुत ही आताताई किस्म के था या फिर बहुत ही मनमाने तरीके से शासन कर रहा था और इस आंदोलन ने व्य प्रथा जैसे कई जो कुप्रथाएं थी उनके खिलाफ भी संघर्ष किया लेकिन स्वतंत्र भारत में इस बगावत को सैन्य बल से दबाया गया यह वह दौर था जबकि खुद कम्युनिस्ट पार्टी भी भारत की आज़ादी को स्वीकार नहीं कर रही थी लेकिन फिर दो परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुए ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी ने दबाव डाला और सोवियत संघ ने भी हस्तक्षेप किया इसके बाद सी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे हम हिंदी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं उसने उन्नीस सौ इक्यानवे तक तेलंगाना संघर्ष को वापस लेने का फैसला किया उन्नीस सौ इक्यावन में और फिर वो खुद पार्टी ने हिंसा का रास्ता छोड़ा और उन्नीस सौ बावन में आ, हुए आम चुनाव में उसने भागीदारी की तो उन्नीस सौ इक्यावन में एक तरीके से तेलंगाना का जो आंदोलन था वो तकरीबन ख़त्म हो गया शांत हो गया उसके बाद जो एक निराशा पैदा हुई और जो सेना की द्वारा जो एक इस बगावत को दबाया गया उसमें भी बहुत लोगों की हत्याएं हुई और ये हर तरीके के हिंसक बगावत का एक अभिन्न भाग है यह भी माना जाता है कि जो महिला कार्यकर्ता जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी बाद में उनकी स्थिति वैसी नहीं रही यानी कि एक बार वो संघर्ष करने के लिए घरों से बाहर आई पर बाद में फिर से उन्हें घरों की चारदीवारियों में ही काम को संभालने के लिए भेज दिया गया लेकिन इसने कई तरह से एक परिवर्तनकारी रुझान को दिखाया और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कि बाद में जो कई कानूनों का कानूनों को का लाया गया जमींदारी उन्मूलन कानून को हदबंदी वाले नियम को तो इसके पीछे इस तरह के विद्रोहों की भी प्रमुख भूमिका थी अब अगर हम तिभागा आंदोलन की बात करें तो तिभागा आंदोलन जो है वो अविभाजित बंगाल के बटाईदार किसानों बंगाल के संदर्भ में छोटे भूस्वामी और के के जुझारू आंदोलन रूप में सामने आया। इसकी प्रमुख मांग पैदावार के तीन भाग अपने पास रखने और जमींदार बंगाल के संदर्भ में जोदार को केवल एक भाग देने की मांग थी इसकी पृष्ठभूमि उन्नीस का अकाल था जिसमें पंद्रह लाख लोगों की जान गई थी अनाज की कमी और महंगाई बढ़ चुकी थी आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी और गरीब किसानों का कर्ज बढ़ गया था अकाल के समय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसान सभा ने राहत कार्य की जबरदस्त मुहिम चलाई जिसमें किसानों में उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई 1945 तक उसके पास हजार से ज्यादा पूर्णकालिक कार्यकर्ता और एक हज़ार गाँव में सतहत्तर हज़ार के आसपास सदस्य थे तो ये आ, किसान सभा कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सी से जुड़ी हुई थी और फिर सितंबर उन्नीस में पार्टी ने तिभागा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया उत्तर पश्चिमी दिनाजपुर के अटवारी गांव से संघर्ष की शुरुआत हुई जहाँ बरगादारों ने धान की फसल काटी और उसे जोतदार यानी कि जमींदार को देने के बजाय खुद अपने पास रख लिया पुलिस आई तो बरगादार उससे भिड़ गए गिरफ्तारी के अंदेशे से किसान सभा और पार्टी के नेता भूमिगत हो गए सूरी में यानी कि आरंभिक दौर में केवल दिनाजपुर के ठाकुर गांव परगना तक यह आंदोलन सीमित था यह संघर्ष पंद्रह दिनों के भीतर भीतर जिले के दो तिहाई गांवों में फैल गया दिसंबर तक इसका प्रसार ग्यारह जिलों में हो गया और एक हज़ार से ज़्यादा कार्यकर्ताओं और किसानों से जेलें भर गईं आंदोलन से मजबूर होकर बंगाल की सरकार बरगादार बिल ले आई इसमें दो तिहाई एक तिहाई की मांग तो मान ली गई पर जोदार को अधिकार दिया गया कि निजी इस्तेमाल के नाम पर वह बरगादार को बेदखल भी कर सकता है तो एक तरीके से जो असुरक्षा थी किसानों की या हम कह सकते हैं बरगादारों की जो दूसरों की जमीन जोतते थे, थे वो असुरक्षा कायम रही और इसमें हम यह भी ध्यान दें कि जो मुख्य मांग थी इनकी कि हम हमारे पास आ, जो ज्यादा दो तिहाई हिस्सा है वो रहना चाहिए उसको स्वीकार कर लिया गया इस बिल के आ, कभी कानून बनने की नौबत भी नहीं आई फरवरी उन्नीस में दिनाजपुर के ही खानपुर गांव में पुलिस और किसानों के बीच जमकर टक्कर हुई किसानों ने खाइया खोद घातक हथियारों का भी इस्तेमाल किया कुल मिलाकर इस आंदोलन में साठ लाख किसानों ने भागीदारी की और पचास से ज़्यादा कि पुलिस की गोलियों से मारे गए उन्नीस में बंगाल भाकपा ने आंदोलन वापस लेते हुए तर्क दिया कि किसानों की मांगें मान ली गई हैं तो जो किसानों की भागीदारी का जो ये आंकड़ा है वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा भी लग सकता है लेकिन मोटे तौर पर किसी ना किसी तरीके से किसान इससे जुड़े हुए थे और उन्होंने इस आंदोलन से खुद को जोड़ा तो इस लिहाज से ये एक बड़ा आंदोलन था जो कि बंगाल में चला अब अगर हम आज़ादी के बाद के दौर में किस भूमि सुधारों की बात करें तो जैसे मैंने पहले उल्लेख किया था कि भूमि हदबंदी लागू की गई आज़ादी के बाद और ज़मींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया ज़मींदारी उन्मूलन कानून जो है वो जो महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था जो कि उद्योगों को लेकर पूंजीपतियों के संदर्भ में था पर वो हर एक क्षेत्र में लागू किया जा सकता है कि आपके पास जो कुछ भी संपत्ति है आप उसके ट्रस्टी हैं आप उसके मालिक नहीं हैं और दूसरों की भलाई के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं या एक कुछ निश्चित समय तक अपने पास रख सकते हैं लेकिन बाद के दौर में 1940 के दशक तक आते आते भूमि के सवाल पर गांधी का रवैया भी काफ़ी रेडिकल होता गया और उन्होंने यह कहा कि अगर ज़मींदार खुद से ज़मीनें भूमिहीन किसानों को नहीं देते हैं तो एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि भूमिहीन किसान उनसे ज़मीनें छीन लें उन्होंने ये लुई फीसर को जो एक इंटरव्यू दिया था उसमें यह बात कही थी एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि दक्षिणपंथी ताकतों ने हालांकि ज़मींदारी उन्मूलन का विरोध किया उसमें से कई सारे लोग अदालती भी अदालतों में भी गए लेकिन मुख्य रूप से जो बात ध्यान देने की है कि मोटे तौर पर एक सहमति बन चुकी थी कि जमींदारी उन्मूलन जैसा कानून बनेगा यह सहमति आज़ादी के आंदोलन के विविध चरणों में प्रगतिशील रूप से बनती गई शुरुआत में बहुत छोटा समूह इसको मानता था पर धीरे धीरे ऐसा लगा कि यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि होनी चाहिए इन सरकारी नीतियों यानी कि हद भूमि हदबंदी और जमींदारी उन्मूलन कानून में निहित आश्वासनों ने करीब पंद्रह साल तक किसानों के आंदोलनकारी स्वर को खामोश रखा उन्नीस के बाद इन सरकारी नीतियों की विफलता के कारण किसानों ने मोर्चे बांधने शुरू कर दिए तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई इस तरह की का रेडिकल कानून बनता है तो वह एक उम्मीद लेकर आता है कि चीज़ें सकारात्मक दिशा में होंगी और ऐसा नहीं है कि चीज़ें सकारात्मक दिशा में नहीं हुई बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि बाद के दौर में बिहार और उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी जातियों का उदय हुआ तो उसमें भूमि सुधारों के कारण जो छोड़ थोड़ी बहुत जमीन जिन जातियों के लोगों को मिली थी उन जातियों का ही मुख्य रूप से उदय हुआ या राजनीति में वही जातियाँ सबसे पहले आईं या शिक्षा के क्षेत्र में भी वही जातियाँ सबसे पिछड़ी जातियाँ सबसे पहले आगे गईं उसी तरीके से भुधाना आंदोलन भी एक सीमा तक काम कर पाया हालांकि उसमें कई तरह के झोल रहे जो बड़े किसान थे उन्होंने अपनी जमीन अलग अलग लोगों के नाम पर इस तरीके से दिखा दी कि सरकार उनकी जमीन ना ले पाए उन पर हदबंदी कानून ना लागू हो पाए कुछ लोगों ने अपनी बंजर या बेकार पड़ी जमीन जो है वो भूदान आंदोलन में दे दी तो इससे एक तरीके से उनकी जा, उनका जय जयकार भी हो गया उन किसानों का जो बड़े किसान थे और उनकी अपनी ज़मीन भी बच गई तो यह बात भी सही है कि कुछ हद तक तो ये कानून लागू हुए लेकिन इनसे बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो पाया किसानों के समाज में तो ये जो भूमि सुधार कानून थे वो इस तरीके से बनाए गए थे कि उनके रहते हुए भी जमींदार लोग अपनी जमीनों पर मलकित बचा सकते थे और जो भूस्वामी थे वो आराम से अपनी आर्थिक स्थिति पहले की तरह बचाए रख सकते थे अलग अलग राज्यों में जमींदारों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर भूमि सुधार कानूनों को चकमा दिया खुद कृषि मंत्रालय ने माना कि भूमि हदबंदी असंगतिपूर्ण नीति अधूरे कानून और अकुशल क्रियान्वयन का उदाहरण था कुल मिलाकर किसानों की राजनीति दो हिस्सों में बंटती चली गई धनी किसानों और जमींदारों ने राजनीतिक प्रतिनिधियों के जरिए सरकार से और ज्यादा रियायतें लेने की पेशबंदी शुरू कर दी हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी ने इस तबके को और शक्तिशाली किया हरित क्रांति 70 के दशक के आखिरी वर्षों से सॉरी साठ के दशक के आखिरी वर्षों से आरंभ हुई और सत्तर के दशक में और ज़्यादा इसे गहराई मिली और मुख्य रूप से इससे पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ तबके ज़्यादा लाभ ले पाए और मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरे देश में किसानों को कुछ ना कुछ इससे लाभ हुआ लेकिन ज़्यादा लाभ इन्हीं इलाकों के किसानों को हुआ जिससे किसानों का एक तबका अमीर तबके के रूप में उभर आया और एक बड़ा तबका गरीब रहा गरीब रहने का कारण भूमि ना होना सबसे बड़ा कारण था और दूसरा हरित क्रांति की का जो प्रभाव था वो उनके इलाकों तक उस तरीके से ना पहुंच पाना था जैसा कि कुछ अन्य इलाकों तक वो पहुंचा तो लेकिन हर किसी को कीटनाशक मिलने लगे बेहतर बीजें मिलने लगी और इससे फिर आ, क्या हुआ कि आ, जो जमींदार थे वो दूसरे अन्य कामों में भी अपनी ऊर्जा लगाने लगे ब्रस बस ट्रक चलाना शराब के धंधे ठेकेदारी इत्यादि दूसरी ओर छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर जो थे उनके लिए अपनी इज्जत रोज, रोजी रोटी के लिए आंदोलन अनिवार्य होता जा रहा था उनका नेतृत्व तो समाजवादियों के किसान मोर्चा और कम्युनिस्ट पार्टियों के किसान सभा ने संभाला साठ का दशक खत्म होते होते गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक विश्लेषण के अनुसार असम में पांच आंध्र प्रदेश में पांच बिहार में तीन गुजरात में एक केरल में तीन मध्य प्रदेश में एक महाराष्ट्र में एक मैसूर में एक राजस्थान में दो और तमिलनाडु में दो किसान आंदोलन शुरू हो चुके थे इनका मकसद बड़े भूस्वामियों की ज़मीन पर सत्याग्रह के जरिए जबरिया कब्जा करना था और सोशलिस्ट की यह नीति थी बहुत पहले से कि जो जमीन उपयोग में नहीं है उस पर कब्जा कर लिया जाए और उसे भूमिहीन लोगों को दे दिया जाए और उन्होंने यह या नीति यानी कि बड़े किसान कोई बड़ा ज़मींदार है उसकी ज़मीन ऐसी है जिसका वो उपयोग नहीं कर रहा है तो उसको भूमिहीनों को देने की नीति उन्होंने अपना रखी थी और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में और उसके पहले जो लोहिया के संत सोपा थे उसके नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा था तो अलग अलग पार्टियां इस तरीके के काम को आगे बढ़ा रही थी सोशलिस्ट इसमें काफी आगे थे कम्युनिस्टों की भी भूमिका थी आ, लेकिन आ, कोई इस तरीके की स्थिति नहीं बन पाई या नहीं बन पा रही थी कि जो भूमिहीन किसान हैं वो अपने आप को एक बेहतर स्थिति में ले आ पाए और यह माना जाता है कि जो नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत थी वह इस स्थिति के प्रति एक बगावत के रूप में सामने आई मार्क्सवाद लेनिनवाद में माओ के विचारों का समावेश करके हथियारबंद कृषि क्रांति के जरिए इलाकावार सत्ता दखल करते हुए भारतीय समाज को उखाड़ फेंकने के कार्यक्रम का लोकप्रिय नाम नक्सलवाद है आज़ादी मिलने के बाद भारतीय राज्य की वैधता और संप्रभुता को सबसे बड़ी चुनौती देने वाला यह आंदोलन विचारधारा और सांगठनिक बनावट के लिहाज से बेहद पेचीदा है आ, साठ के दशक के आखिरी वर्षों में नक्सली आंदोलन के उभार की दो मुख्य वजहें थी भूमि सुधारों की विफलता के साथ साथ आर्थिक विकास और रोजगार के मोर्चे पर भारतीय राज्य का बुरी तरह से संकटग्रस्त हो जाना और कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर संसदीय रास्ते और चीनी तर्ज पर किसानों की हथियारबंद क्रांति के बीच अंतर्विरोध जो पूरा नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ उसके एक घटनाक्रम पर थोड़े विस्तार में जाने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि असल में जो मार्क्सवादी मार्क्सवादी लेनिनवादी संघर्ष था उसमें तो गोलबंदी पर जोर दिया जाता था लेकिन जब उसमें माओवाद का समावेश हुआ जब हम ये वाक्य इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या अर्थ है माओवाद मुख्य रूप से हिंसक तरीके से सत्ता प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके क्रांति करना चाहता है उसमें जो छापामार युद्ध है या जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं उसे बड़ा महत्व दिया जाता है यानी कि बहुत सारे लोगों का समूह जमा हो और वो सीधे सीधे युद्ध ना करे बल्कि उन जगहों पर कब्जा करे जहाँ पर जो सत्ता के प्रतिष्ठान माने जाते हैं पुलिस स्टेशन हो गया या कुछ अन्य चीज़ें तो ये धीरे धीरे माओवाद का सम्मिश्रण होता गया इसमें जो नक्सलवादी समूह उभरे उनमें पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी जो नक्सलवादी समूह थे वो उन्होंने माओवादी रणनीति को एकदम सबसे महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में माना हालांकि आगे चलकर माओवाद जो है वो नक्सलवाद का एक पर्याय जैसा बन गया पर आरंभ में और शायद बाद के दौर में भी इनमें काफ़ी विविधता रही है तो जो नक्सलवादी में जो विद्रोह शुरू हुआ वो उन्नीस में आरम्भ हुआ उन्नीस तक यह देश के कई भागों में फैला इसे चीन का समर्थन प्राप्त हुआ इसने खुले रूप में मार्क्सवाद लेनिनवाद के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की लेकिन आरंभ से ही इसके भीतर माओवाद को अपनाने वाला धड़ा भी मौजूद रहा और बाद में काफी प्रभाव ही हो गया उन्नीस आते आते यह आंदोलन कई भागों में बट गया इसका दमन भी पश्चिम बंगाल में किया गया लेकिन यह आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से मैदानी और जंगली पहाड़ी क्षेत्रों के संगठन के रूप में समझा जा सकता है 1970 के दशक के आखिर में तथा 1980 के दशक में मैदानी इलाकों में सी पी आई एम एल के कई पूर्व संगठन काम करते रहे और इनमें से कई संगठन बाद में संसदीय राजनीति का भाग बन गए जैसे कि अभी सी पी आई एम एल यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी एक राजनीतिक दल है बिहार में उसके अच्छे खासे विधायक जीत कर आए हैं तकरीबन पंद्रह या सोलह कई अन्य भागों में उसका प्रभाव है तो यह एक पूर्व जो नक्सल संगठन था जब वो संसदीय राजनीति में आया तो वो इस रूप में स्थापित हुआ और उसी तरीके से जो मैदानी इलाकों में जो संगठन काम कर रहे थे यानी बिहार के गाँव में वो संगठन जाति के प्रश्न को लेकर तो सीधे तौर पर गोलबंदी नहीं कर पाए पर उन्होंने गोलबंदी के दलितों और पिछड़ों और भूमिहीन किसानों के बीच में और बाद में इनके लिए समस्याएं आएँ कि वो जाति के प्रश्नों को कैसे देखें और आ, किस तरीके से जो अस्मितावादी राजनीति का उभार हुआ है उसका मुकाबला करें पर वह एक अलग प्रश्न है और अभी हम उस पर विवेचना नहीं कर रहे हैं लेकिन एक जो दूसरा धड़ा था जो कि माओवाद के और ज़्यादा नज़दीक था या जिसमें माओवादी सोचावी थी वो पीपल्स वॉर ग्रुप के रूप में था और उसने कई अन्य संगठनों के माध्यम से जो आंध्रा के जो जंगल के इलाके थे छत्तीसगढ़ का जो जंगल का इलाका है या जो झारखंड का जंगल का इलाका है वहाँ अपना प्रभाव कायम रखा और 2004 में ऐसे संगठनों ने मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की स्थापना की भारत सरकार के द्वारा यह पार्टी प्रतिबंधित है यह पार्टी लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती है और कई प्रकार के हिंसक गतिविधियों में भी यह संलिप्त रहती है कई प्रकार की हिंसक गतिविधियां इसके द्वारा लगातार की जाती रही हैं तो इसके द्वारा यह दावा जरूर किया जाता है अलग अलग तरीके से कि यह आदिवासियों के हितों के लिए काम कर रही है पर जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में हम इसको देखें और मौजूदा दौर में जो इसका दावा है उस वो पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है और इसके द्वारा लगातार हिंसक रणनीति भी सवालों के घेरे में है तो वर्तमान समय में जो इसकी राजनीति है उसको हम एक तरफ रख दें और ऐतिहासिक रूप से एक किसान आंदोलन के रूप में अगर उसके उदय को हम देखें तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ बातें स्पष्ट रूप से कही जा सकती हैं इसके सभी धड़े शुरू से ही माओवाद पर भरोसा नहीं रखते थे बाद में माओवाद का सूत्र ज्यादा हावी हुआ और इनके इसके धड़ों ने बिहार के कई क्षेत्रों में और झारखंड में भी भूमिहीनों को संगठित करने का काम किया जिसमें प्रमुख रूप से दलित जातियां और पिछड़ी जातियों के लोग थे और बाद में इसके कुछ धड़े संसदीय राजनीति का भी भाग बने तो यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था और हमें इसे इसी रूप में समझने की जरूरत है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक जो भूमिहीन किसानों का जो एक विद्रोह था उसके एक उदाहरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं हालांकि जैसे मैंने कहा पहले कहा कि इसके अलग अलग रास्ते बने इसके कई धड़े हुए और मौजूदा दौर में जो इसकी पूरी स्थिति है वह एक तरीके से अलोकतांत्रिक है और वह हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए एक समस्या भी है और एक बहुत बड़ा खतरा भी है अब हम आगे बढ़ते हैं 1980 के दशक में कृषि आंदोलन पर मैं ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा क्योंकि वह भी एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम था यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि एक तरफ सी पी और कई कम्युनिस्ट संगठन और कई छोटे संगठन भूमिहीन किसानों को संगठित करने की वहीं दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति हुई थी उन क्षेत्रों में अमीर किसान जिन्हें हम कह सकते हैं वो उभर कर सामने आ गए थे शेतकारी संगठन या भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठन उभर कर सामने आए और उनकी यह कोशिश रही कि वो जो अमीर किसान है उनके हितों को सामने रखें और अगर आप चिंताओं की बात करेंगे तो अमीर किसान और मंझोले या गरीब या भूमिहीन किसान की चिंताएं थोड़ी अलग अलग या काफ़ी अलग अलग थीं क्योंकि अमीर किसानों की मुख्य चिंता एक तो राजनीतिक दावेदारी की थी ही कि हम बहुत ही मजबूत हैं हम चीज़ों को प्रभावित करने में सक्षम हैं इसके अलावा वो ये चाहते थे कि उन्हें फसलों का सही दाम मिले और कई बार उनमें और ज़्यादा सुविधाएं अपने लिए हासिल करने पर जोर देने की प्रवृत्ति थी और ये चिंताएँ उन कृषक सम, किसी समूहों के लिए जो कि भूमिहीन थीं नहीं थीं आ, क्योंकि उनके लिए अपना अस्तित्व बचाना थोड़ी बहुत जमीन मिल जाना ये एक बड़ा सवाल था तो ये जो 1980 के दशक के कृषि आंदोलन थे उन्होंने काफ़ी हद तक देश की राजनीति को भी प्रभावित किया खासतौर पे जो महेंद्र सिंह टिकैत ने एक गोलबंदी करने की कोशिश की किसानों की उससे यह संदेश जा पाया कि किसान जो है वो बहुत मजबूती के साथ देश की राजनीति में दखल देने के लिए तैयार हैं तो ये एक तरह का परिवर्तन किसानों के बीच में दिखा था जो कि बहुत ही साफ तौर पर सामने आया 1980 के दशक में और बहुत ही खुले रूप में बहुत ही मजबूती के साथ बहुत ही गुलबंदी के साथ जिन्हें हम अमीर किसान कह सकते हैं उन्होंने अपने हितों को रखा अब हम वैश्वीकरण के किसानों पर प्रभाव पर थोड़ा विचार करते हैं 1990 के बाद का दौर वैश्वीकरण का दौर है सरकार ने निजीकरण का रास्ता अख्तियार किया और बहुत सारी जो नीतियाँ थीं उनको उदार बनाया गया और इन सारी स्थितियों में जो प्रभाव किसानों पर पड़ा खासतौर पर निजीकरण का उसमें यह हुआ कि कृषि की लागत बढ़ी लेकिन उस अनुपात में उससे होने वाले लाभ में वृद्धि नहीं हुई और इसका नतीजा यह हुआ कि बड़े पैमाने पर किसान जो है वो कर्ज में डूबने लगे और लाखों किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अगर आप इसके आंकड़ों को देखें तो उससे पता चलेगा कि जो किसान हैं उन्होंने बहुत महाराष्ट्र में बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएँ तुलनात्मक तो रूप से कम हुई लेकिन वहाँ भी किसानी या खेती को एक लाभ का सौदा नहीं माना जाने लगा यानी कि यह या माना जाने लगा कि इसमें गुजर तो हो सकती है पर बहुत ज़्यादा लाभ की गुंजाइश नहीं है और आ, कई बार जो किसान संगठन है वो लगातार यह मांग करते रहे हैं कि सरकार उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य या एम सुनिश्चित करे और हम यह देखेंगे कि जो आ, 2020 में कृषि कानून बने आ, बीच में इस तरीके के छोटे छोटे आंदोलन चलते रहें और किसान बीच से मेरा मतलब है अगर हम वैश्वीकरण के दौर की बात करें मैंने कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखा लेकिन एक जो बड़ा आंदोलन था वो 2020 में हुआ और यह जो था वो सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन था भारत की केंद्र सरकार ने जून 2020 के पहले सप्ताह में तीन अध्यादेशों या अस्थायी कानूनों को प्रख्यापित किया जो कृषि उपज उनकी बिक्री जमाखोरी कृषि विपणन और अनुबंध कृषि सुधारों के साथ अन्य चीज़ों से संबंधित हैं इन अन्य अध्यादेशों को बिल के रूप में या विधेयक के रूप में पेश किया गया और 15 और 18 सितंबर 2020 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया बाद में 20 सितंबर को राज्यसभा ने भी आ, और 22 सितंबर तक विधेयकों को पारित कर दिया तो आ, ये जो विधेयक पारित हुए बीस से बाईस के बीच में उसे राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2020 को हस्ताक्षर कर दिया और अपनी सहमति दे दी और इस प्रकार उन्हें कानून में परिवर्तित कर दिया गया यहाँ यह याद रखने की ज़रूरत है कि जब ये कानून राज्यसभा से पारित हुए तो वहाँ पर सही तरीके से मतदान नहीं हुआ और कई विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ धरना भी दिया कि जो उपसभापति हैं उन्होंने वॉयस के थ्रू मतदान करके पारित कर दिया जबकि विपक्षी यह चाह रहे थे कि इस पर मतदान हो बहस हो अब ये बात ध्यान देने की जरूरत है इस बात पर कि जब ये कानून बने उसी समय से ये विवादों के घेरे में थे और उसको विवादों के घेरे में क्यों थे उसको समझने के लिए थोड़े से इन कानूनों के बारे में हम जिक्र करेंगे फिर मैं आपको इस आंदोलन की रूपरेखा और इसके महत्व के बारे में बताऊंगा। पहला जो ये कानून थे कि किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम इसमें चुनिंदा क्षेत्रों में उत्पादन संग्रह और एकत्रीकरण के लिए किसी भी स्थान पर किसानों के व्यापार क्षेत्रों का ये जो दायरा है वो बढ़ बढ़ता था इस कानून से अनुसूचित किसानों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंडिंग और ई e कॉमर्स की यह अनुमति देता था राज्य सरकार को बाहरी व्यापार क्षेत्र में आयोजित किसानों की उपज के व्यापार के लिए किसानों व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कोई बाजार शुल्क उपकर या लेवी वसूलने से यह प्रतिबंधित करता था मोटे तौर पर यह माना गया कि ये जो पूरे प्रावधान हैं कि बाहरी व्यापार क्षेत्र और उसमें फिर जो किसान और व्यापारी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंडिंग की जो पूरी व्यवस्था थी वो एक तरीके से जो निजी क्षेत्र है उसकी भूमिका को बढ़ाने की तरह थी उसमें जो अड़हातियों की जो पूरी व्यवस्था थी या जहाँ पर किसान अपने फसल को देते थे उसको खत्म करने की कोशिश थी तो किसानों का यह मानना था किसान संगठनों का कि यह एक तरीके से उनके उनका जो मुख्य एक आधार है उसको खत्म करके और उसमें निजी क्षेत्र और ख़ासतौर पर बड़े उद्यमियों की भूमिका को बढ़ाने की बात थी और दूसरा जो मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम पर किसान सशक्तिकरण और समझौते किसी भी किसान के उत्पादन या पालन से पहले आ, किसान एक किसान और एक खरीदार के बीच एक समझौते के माध्यम से अनुबंध कृषि के लिए एक रूपरेखा तैयार करता था यह कानून यह तीन स्तरीय विवाद निपटान तंत्र के लिए प्रदान करता था सुलह बोर्ड उप विभागीय मजिस्ट्रेट और अपीलीय प्राधिकरण इस पर भी किसान संगठनों की कई समस्याएं थी पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जब भी किसान एक कमजोर पक्ष के रूप में एक बड़े उद्यमी से समझौता करेगा तो उसकी स्थिति हमेशा ही कमजोर होगी और ये एक तरीके से उसके वो किस तरीके के फसल उपजाए या किस कीमत पर बेचे इस पर बाहर से दबाव डालने की तरह था और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम केंद्र युद्ध या अकाल जैसी असाधारण स्थितियों के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों को विनियमित करने की अनुमति देता था किसान संगठनों ने इन कानूनों के खिलाफ एक साल से ज़्यादा लंबा संघर्ष चलाया और मुख्य रूप से इन कानूनों में यह संभावना नहीं थी कि इन कानूनों के की व्याख्या इस तरीके से हो सकती है या इस कानूनों से एक ऐसी ध्वनि निकलती है जैसे किसान की जमीन उनके हाथ से जा सकती है अपने फसल को मुँह मांगे या फिर एक सम्मानजनक या एक न्यूनतम कीमत पर बेचने का जो उनका एक आ, मन होता है या उनकी जो सोच होती है उस पर गहरा धक्का लग सकता था क्योंकि आ, आ, जो बड़े उद्योगपति थे वो अपने हिसाब से कीमतें तय कर सकते थे और इसीलिए किसानों ने जहां एक तरफ अपने ज़मीन या अपनी खेती की सुरक्षा के लिए इन कानूनों को खत्म करने की मांग की वहीं दूसरी तरफ उन्होंने लगातार यह कहा कि उनके लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है या एमएसपी जो है वो तय किया जाना चाहिए तो ये एक जो उनकी मांग थी किसानों की उसके खिलाफ जो उनका संघर्ष था वो एक साल से ज़्यादा समय तक चला और उसमें 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए कई स्तरों पर आलोच आंदोलन को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा क्योंकि जो कानून के जो समर्थन करने वाले लोग थे वो इस पूरे आंदोलन को बहुत ही नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे और इसे कुछ अमीर किसानों के आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था हालांकि अमीर किसान भी किसान ही थे और वो भी अपने मांगों के समर्थन में आंदोलन करने का हक रखते थे लेकिन इस आंदोलन का प्रसार पूरे देश में हुआ और जो किसान थे उनकी जो सीधे तौर पर इस आंदोलन पर आकर दिल्ली में जहाँ पर ये धरने दे रहे थे वहाँ पर नहीं बैठे थे उनकी हमदर्दी भी इस आंदोलन से जुड़ती चली गई और आखिरकार किसानों के इस लगातार आंदोलन से सरकार को झुकना पड़ा हालांकि यह भी सच है कि इसके बारे में कई तरह के कयास लगाए जाते हैं विश्लेषकों के द्वारा कि शायद चुनावी राजनीति की बाध्यताओं ने भी सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि वह इस कानून को वापस ले लें लेकिन जो मुख्य बात है वह यह कि एक साल के इस लंबे संघर्ष में जिसमें कि कोरोना जैसी महामारी आई जिसमें कि ठंड का मौसम आया गर्मी का मौसम आया किसान दिल्ली के चार बॉर्डर पर बैठे रहे और उन्होंने देश के अन्य भागों में भी धरना प्रदर्शन के द्वारा अपनी मांगों पर लगातार जोर देना जारी रखा इनका आंदोलन मुख्य रूप से अहिंसक रहा कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई घटनाओं को छोड़कर जिसमें कि पुलिस की तरफ से ज्यादा लाठीचार्ज हुई तो ये एक तरीके से हम ऐसे लोकतांत्रिक तरीके से संचालित एक आंदोलन के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं और शायद इन्हीं सब कारणों ने आंदोलन की निरंतरता के साथ साथ कुछ चुनावी मजबूरियों के ने सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि वह इन कानूनों को वापस ले लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को घोषणा की कि केंद्र तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करेगा 1 दिसंबर 2021 को इन कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि शायद उनकी सरकार समझा नहीं पाई किसानों को और उन्होंने कहा कि वो किसानों के फायदे के लिए कानून लेकर आए थे लेकिन फिर उन्होंने इस कानून को वापस लेने का की घोषणा की क्योंकि उन्हें उन्होंने माना कि वो किसानों को इसको समझा नहीं पाए ये एक तरीके से जो किसान आंदोलन था वो इस बात का प्रमाण था कि कैसे किसान अपने आप को गुलबंद करके वैश्वीकरण के दौर में भी जब निजी पूंजी का वर्चस्व काफी बढ़ा हुआ है जब उद्योगपतियों की बातों का जो वजन है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है उस स्थिति में भी अपनी बातों के लिए या अपने हक़ के लिए संघर्ष कर सकते हैं तो ये किसान आंदोलन उस चीज़ को बहुत मजबूती से प्रमाणित करता है और यह 1980 के दशक में चले कृषि आंदोलनों की अगली या हम कहें और ज़्यादा मजबूत कड़ी के रूप में सामने आता है और इस लिहाज से इस आंदोलन की जो सफलताएँ हैं असल में वहीं से किसान आंदोलन की मुख्य चुनौतियाँ भी सामने आती हैं यह बात सच है कि जो कृषि कानून थे और जिसकी आलोचना किसान संगठनों के द्वारा प्रस्तुत की गई अलग अलग किसान संगठनों के द्वारा आ, वो मुख्य रूप से आ, हर किसी के लिए घातक ये कानून है इस बात को तय करती थी लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कानून में ज़्यादा सक्रिय रूप से जो आ, किसान आंदोलन थे जो किसान संगठन जो सम्मिलित हुए वो अमीर किसान आ, आ, क्षेत्रों से थे यानी कि हरित क्रांति से प्रभावित जो क्षेत्र थे वहाँ से किसान ज़्यादातर इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे तो ये जो पहली चुनौती है किसान आंदोलन की या किसानों की वो यह है कि वे विभिन्न किसान वर्ग जो हैं वो आपस में सामंजस्य कैसे स्थापित करें ये किसान यूनियनों की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि जो भी मांग पत्र बने या जो भी आंदोलन की रूपरेखा बने या जो भी गोलबंदी हो उसमें जो भूमिहीन किसान हैं जो खेत मजदूर हैं जो मंझोली किसान हैं जो छोटे किसान हैं सबके हितों को एक स्थान मिले तो ये उनकी एक बहुत बड़ी चुनौती है दूसरा ये कि पहचान की राजनीति और किसान हितों का टकराव इसका मतलब यह है कि कई बार ऐसा देखने में आया है और जब हम लोग ट्रेड यूनियंस के बारे में बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में तब भी हमने इस बात को रेखांकित किया था कि जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी अपने अपने किसान मोर्चे बना के रखे हैं और उन किसान मोर्चों की मदद से वो अपने सरकार के एजेंडे को लागू करने की कोशिश करते हैं जिसके कारण से जो चुनौती सामने आती है किसान आंदोलन के सामने वो यह है कि जो अलग अलग धड़े हैं उनके बीच में बातचीत करते हुए एक साझा आधार तैयार करना तीसरे वैश्वीकरण और किसान हित जो वैश्वीकरण का दौर लगातार तेजी से बढ़ा है उससे किसान हितों को झटका लगा है वो कमजोर हुए हैं किसान किसान संगठनों के सामने मुख्य चुनौती यह है कि वो यह सुनिश्चित करें कि जो वैश्वीकरण के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें से किसान खासतौर तो पे वो किसान जो ज़्यादा वर्नरेबल या ज़्यादा दुर्बल स्थिति में हैं उन्हें बचाया जाए उन्हें मदद दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वो खेती को एक बेहतर कमाई वाले पैसे में बदल पाएँ और इससे उन्हें ज़्यादा एक बेहतर ज़िंदगी मिल पाए जो वर्तमान समय में काफ़ी एक मुश्किल सी चीज़ साबित हो रही है चौथा जेंडर संवेदनशीलता का अभाव भी दिखता है कई बार किसान आंदोलनों या फिर किसान संगठनों के भीतर तो किस तरीके से महिलाओं से जुड़े मुद्दों को और ज़्यादा तरजीह दी जाए कैसे उन्हें भी मुख्यधारा के आंदोलन में शामिल किया जाए हालांकि जो आ, 2020 से 2021 का किसान आंदोलन चला उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया था लेकिन आ, और ज़्यादा संवेदनशील बनाते हुए चीज़ों को सामने लाने की ज़रूरत है कुल मिलाकर अगर हम इस चर्चा के लब्बुलवाब को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि चूँकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है इसलिए अलग अलग समय पर अलग अलग भागों में जो किसानों के आंदोलन हैं वो चलते रहते हैं और हमने कुछ आंदोलनों का जिक्र किया हमने उन आंदोलनों को समझने के लिए प्रस्तुत मॉडलों का जिक्र किया और हमने यह समझने की कोशिश की कि आखिर जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं जो किसान आंदोलन की और उसकी जो मुख्य चुनौतियां हैं वो क्या हैं मुझे ये उम्मीद है कि आज की इस पूरी चर्चा से आपको भारत में किसान आंदोलन की कुछ मुख्य पहलुओं या कुछ मुख्य पढ़ावों को समझने में मदद मिली होगी और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अन्य पुस्तकों को पढ़ते हुए इन पहलुओं के बारे में ज़्यादा परिष्कृत ज्ञान हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आज के इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर बात करेंगे जो कि भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ होगा नमस्कार